हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो होगी पार्ट नंबर टू वीडियो ऑफ मैजस ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर की इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मेजस ऑफ डिस्पर्जन क्या है उसके बारे में पढ़ा कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसके और उसके जो फर्स्ट पार्ट जो मैथड का फर्स्ट पार्ट है रेंज रेंज के बारे में पढ़ा और कॉफिशेंट ऑफ रेंज के बारे में पढ़ा अब हम इसका नेक्स्ट मेथड है जो इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिवियशन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है वो देखेंगे क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकलता है वो देखेंगे और उसके उसका न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे उसका यूज होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो चलिए स्टूडेंट विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डिविएशन अब देखिए हमने आपको याद हो तो हमने जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकाला देखो ये स, ये चैप्टर में सीक्वेंस में क्यों करा रही हूँ आपको क्योंकि अगर सीक्वेंस में नहीं करेंगे तो हमें बेस का नहीं पता चलेगा क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है अब जैसे हमने क्वार्टाइल जो ऊपर पीछे क्वार्टाइल निकाले थे हमने क्वार्टाइल निकाले थे डिसाइल निकाले थे परसेंटाइल निकाले थे तो उसमें क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ठीक है एन प्लस में वन डिवाइडेड बाई फोर्थ साइज़ ऑफ द आइटम ये निकाला था हमने जो है क्वार्टल निकालने का फॉर्मूला था ठीक है अब फोर्थ क्वार्टल थर्ड निकालना हो तो थ्री को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ये था हमारा क्वार्टल निकालने का फॉर्मूला अब यहाँ पे हम इंटर क्वार्टल रेंज निकाल रहे हैं ठीक है तो इसमें हमें क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा तो क्वार्टाइल का तभी निकालेंगे ना जब हमें क्वार्टाइल का फॉर्मूला पता होगा तो फार्मूला कहाँ था इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर ठीक है तो पिछले वाले चैप्टर नहीं करते तो अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से लर्न करना पड़ता हमारा बेस ने वहाँ पर पता चलता हमें ठीक है तो चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टल डिविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टल डिविएशन आर अनदर मैजर्स ऑफ डिस्पर्स द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल देखो हमने क्वार्टाइल करा था याद हो तो आपको जैसे मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह होता है क्यू वन ये होता है लोअर क्वार्टाइल ये होता है क्यू टू होता है मिडल क्वार्टल या इसको बोलते हैं मीडियम ठीक है और ये होता है क्यू थ्री ये होता है अपर क्वार्टाइल ठीक है

सीरीज़ देखो इंटर क्वार्टल रेंज है दोनों के बीच की पार्ट हो गया यानी कि ट्वेंटी सेवेंटी फाइव से ट्वेंटी फाइव के में डिफरेंस कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट हो गया ठीक है क्वार्टल डिविएशन ऑल्सो कार्ड सेमी इंटर क्वार्टल रेंज इज़ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल हाफ ऑफ द इंटर रेंज इट्स फॉर्मूला इज उनका हाफ हो जाएगा इन दोनों की जब उसमें से माइनस करेंगे उसका भी हाफ़ आएगा क्वार्टल थ्री माइनस क्वार्टल वन अपॉन में टू यह आ गया क्वार्टल डिविएशन ठीक है द रिलेटिव measures ऑफ quartile deviations आर आल्सो कॉल्ड द coefficient ऑफ quartile deviation इज डिफाइंड एज अब जो देखो quartile deviation निकाल लिया आपने क्यू थ्री माइनस क्यू वन में टू इसका कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टल डिविएशन क्या है जो क्यू थ्री माइनस क्यू वन है अपॉन में क्यू थ्री प्लस में क्यू वन वो आ गया हमारा कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टल डिविएशन स्टेप को कैलकुलेट करने के स्टेप क्या होंगे पहले क्यू वन निकालो क्यू थ्री निकालो पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला क्वार्टल डिविएशन एंड कॉफिशियंट ऑफ क्वार्टल डिवेशन द फॉलोइंगलिटेशन इलेट्रेट दैलकुलेशन ऑफ क्वार्टल डिविएशन देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टल डिवेशन का क्वेश्चन करते हैं फाइंड इंटर क्वार्टल रेंज क्वार्टल डिवीशन और कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टल डिवेशन तीनों का फार्मूला हमें को पता है ठीक है अब हमें क्वार्टाइल निकालना है तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए तो साइज ऑफ एन प्लस में वन अपॉन में फोर फोर्थ आइटम जो होगा सीरीज के अंदर वो होगा हमारा क्वार्टाइल वन और थ्री थ्री से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो साइज ऑफ आइटम आएगा वो होगा हमारा क्यू <coughs> थ्री तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं जब हम याद हो तो आपको हम मीडियम निकालते थे तो अभी हम डाटा को पहले असेंडिंग फॉर्म में लगाते थे और फिर उसके बाद जब हम क्वार्टल डिवेशन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल निकाला तब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में गाते सबसे पहले डाटा को तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो में लगा लिया हम डाटा को मतलब डाटा था हमारे पास अट्ठाईस अठारह बीस चौबीस सताईस तीस पंद्रह अब उन्होंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो पंद्रह अठारह बीस चौबीस सताईस अट्ठाईस तीस बन गए ठीक है क्यू वन निकालेंगे साइज ऑफ एन प्लस में वन एन कितना है हमारे पास कितने है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आइटम है सात प्लस में वन डिवाइडेड बाय फोर यानी फोर टू जा एट सेकेंड आइटम सेकेंड आइटम कौन सा है सीरीज के अंदर देखो हमारा एक मिनट सेकेंड आइटम कौन सा सीरीज में एटीन तो एटीन हो गया हमारा क्यू वन ठीक है अब देखो एन प्लस में ये सेम था यानी हमारे यहाँ से आंसर आया था टू टू को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो थ्री टू जा सिक्स यानी सिक्स आइटम सिक्स आइटम कौन सा एक दो तीन चार पाँच छः अट्ठाइस तो अट्ठाइस क्या हो गया हमारा क्यू थ्री ठीक है तो हमारे क्यू वन की वैल्यू आ गई अठारह और क्यू थ्री की वैल्यू आ गई अट्ठाईस अब बस क्या करना है पुट करना है वैल्यू को पुट करना है बस तो इंटर रेंज होती है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अट्ठाईस में अठारह गए दस ठीक है डिवेशन होता है टू को से डिवाइड कर दो यानी कि फाइव ठीक है कॉफिशेंट ऑफ क्वारिवेशन होता है अट्ठाईस माइनस अठारह अट्ठाईस प्लस में अठारह तो दस अपॉन में छियालीस आंसर आ गए जीरो पॉइंट टू वन सेवन ठीक है अब आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज़ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको वेजेस दे रखे हैं नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है अब देखो सबसे पहले तीनों चीज़ निकालनी है हमको को इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टल डिवेशन एंड कॉम्फिशेंट ऑफ क्वार्टल डिवेशन एक बार तो ये सोच लो कि ये चीज़ तो भूल जाओ एक बार तो हमें ये निकालना है कि हमें क्यू वन और क्यू थ्री निकालनी है ठीक है यानी कि हमारा एक तरह से लगा लो मेजस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन होगा एक तरह से ये पहले जिसमें हमें क्या निकालना है क्वार्टाइल निकालने है ठीक है तो क्वाल्टर निकालने से पहले क्या करते थे वेजेस जो एक्स आइटम है वो यहाँ लिखते थे फ्रिक्वेंसी लिखते थे उसकी ये नीचे वाली ठीक है क्यूमुलिटी फ्रिक्वेंसी लिखते थे इसकी टू प्लस में एट फिर यहाँ पर टेन आ जाएगा टू एट प्लस में ट्वेंटी जो है टेन प्लस में ट्वेंटी आ जाएगा थर्टी थर्टी प्लस में थर्टी फाइव आ जाएगा सिक्सटी फाइव लिख दिए क्यूमुलिटी थी, फ्रिक्वेंसी लिख दी ठीक है अब क्या करना है हमको एन जो होता है मैंने आपको बताया था कि जो एन डिस्क्रीट सीरीज में होता है वो समेशन ऑफ एफ होता है तो समेशन ऑफ एफ कितना है आ गया एक ये हमारा एन है ठीक है अब देखो क्यू वन निकालना है फॉर्मूला लगा लो वही एन तो प्लस में वन बाय फोर तो एन है हमारा एक प्लस में वन बाय फोर कितना आएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व और फोर टू जा एट थर्टी टू आ गया थर्टी टू देखो इस क्यूमिटी फ्रिक्वेंसी में कहाँ किस रेंज में आता है इसमें आता है ठीक है इसके अंदर तो नहीं आता इसके अंदर भी नहीं आता इसके अंदर आता है तो इसके जो सामने वाली आइटम होगी एक्स वाली वो होगा हमारा क्या क्यू <coughs> वन ठीक है तो फोर्टी हो गया हमारा क्यू वन आगे जो थर्टी टू को आप तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन नाइनटी सिक्स नाइनटी सिक्स किसके अंदर आ रहा है इसके अंदर आ रहा है तो इसके सामने वाला क्या है फिफ्टी तो फिफ्टी क्या हो गया हमारा ये क्यू वन हो गया हमारा ये क्यू थ्री हो गया हमारा ठीक है बस पुट कर दो फर्स्ट में निकलेगा क्यू थ्री माइनस क्यू वन फिफ्टी माइनस फोर्टी टेन और फिर इसको टेन जो क्वार्टाइल डेविएशन हो गया वो टेन बाई टू हो जाएगा फाइव और फिर उसके बाद जो अपना वो होगा वो होगा फिफ्टी माइनस फोर्टी और फिफ्टी प्लस फोर्टी टेन बाई नाइनटी हो जाएगा वन बाई नाइन से वो करके आप वो निकाल लेंगे देखो यही है टेन फाइव और वन बाई नाइन से आ गया जीरो पॉइंट वन वन ठीक है आगे है कॉन्टिन्यूस सीरीज कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टल डिविएशन एंड कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टल डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा तो सबसे पहले हमें क्वार्टाइल निकालने हैं क्वार्टल डिविएशन छोड़ दो क्वार्टल निकालना है डिविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले एज लिखेंगे जीरो से दस जीरो से बीस बीस से चालीस चालीस से पचास चालीस से साठ ठीक है ऐसे फ्रिक्वेंसी लिखेंगे उसकी एन हो गया टोटल कर लेंगे उसको सिक्सटी ह्यूमिडिटी फ्रिक्वेंसी लिखेंगे लिख दी ठीक है आप देखो आगे जो एन बाय इसमें जो क्वार्टल निकालने का जो फॉर्मूला था वो एन बाय फोर था सिर्फ वो नहीं था एन प्लस में वन डिवाइडेड बाय फोर एन बाय फोर था आप याद करोगे तो एन बाय फोर था इसमें जो क्वार्टर निकालने का फॉर्मूला था सिक्सटी बाय फोर इज इक्वल टू फिफ्टीन था आइटम अब देखो फिफ्टीन इसके अंदर कहाँ पर आ रहा है फिफ्टीन हमारा राइज हो रहा है फोर्टी और सिक्सटी की सीरीज में देखो ये देखो इसके अंदर फिफ्टीन नहीं है क्योंकि जो आता का यही है यानी कि फिफ्टीन इसके अंदर है तो फिफ्टीन कौन सी सीरीज के अंदर आ रहा है इसके अंदर ठीक है चौदह चालीस से साठ और आपको याद होगा तो इसका फार्मूला भी चेंज था फार्मूला था इसका वो लोअर लिमिट वाला प्लस में जो एन बाई फोर था माइनस में उसकी कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी थी अपॉन में समेशन ऑफ़ एफ बोल सकते हैं या फिर एन बोल सकते हैं ये फार्मूला था तो इसमें इसमें से लोअर लिमिट आ गई हमारी फोर्टी एन बाई फोर है वो हमने निकाल लिया फिफ्टीन ठीक है कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी होती है इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी यानी फोटीन अपॉन में और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इसके सामने वाली फ्रिक्वेंसी होती है फिफ्टीन ठीक है सॉरी समय ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं था f था खाली वो तो f होता है इसके सामने वाली होती है देखो क्या होता है जो ज, जो हमारा जिस क्लास के अंदर आइटम होते ही फिफ्टीन आया था हमारा इसके अंदर आया था ये हो गई हमारी जो इंटरवल क्लास का जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारी लोअर यहाँ से पता चल गया हमारी क्लास है और ये लोअर लिमिट हो गई इससे ऊपर वाली हो गई कम्यूनिटी फ्रिक्वेंसी ठीक है यानी फोर्टीन इससे सामने वाली जो क्लास होगी वो फ्रिक्वेंसी की क्लास हो गई एफ हो गया ये हमारा ठीक है तो इधर से निकल गया हमारा पुट करके फॉर्मूला में फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री क्यू थ्री क्यू वन निकल गया क्यू थ्री निकलना है वो कैसे निकलेगा थ्री एन बाई फोर यानी कि जो ये आंसर आया था फिफ्टीन फिफ्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो फोर्टी फाइव निकल गया फोर्टी फाइव आइटम किसके अंदर है देखो फोर्टी फाइव आइटम है इसके अंदर तो इसके सामने वाली क्लास हो गई ये ठीक है और क्यूबलीटिव फ्रिक्वेंसी हो गई ये और सामने वाली फ्रिक्वेंसी हो गई ये ठीक है तो फार्मूला में पुट जो करेंगे सिक्सटी प्लस में जो एन बाय थ्री एन बाय फोर है उसका आंसर क्या निकला है हमारा फोर्टी फाइव माइनस करेंगे कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ट्वेंटी नाइन अपॉन में एफ ट्वेंटी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे ठीक है देखो यही है सिक्सटी प्लस में फोटी फाइव माइनस ट्वेंटी नाइन अपॉन में ट्वेंटी इन टू में आई आई होगा इन दोनों का जो जो इन में है ना जो रेंज के अंदर क्लास के अंदर जो डिफरेंस है जीरो से ट्वेंटी ट्वेंटी से फोर्टी कितना है ट्वेंटी तो इसके अंदर भी ट्वेंटी था और इधर भी ट्वेंटी आ गया ठीक है तो आंसर आ गया हमारा सेवेंटी सिक्स तो क्वार्टाइल जो वन है उसकी वैल्यू आई हमारी फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री क्वार्टाइल जो थ्री है उसकी वैल्यू आई हमारे पास सेवेंटी सिक्स बस अब तो वो वो पुट करनी है वैल्यू इंटर क्वार्टाइल रेंज की क्यू थ्री माइनस क्यू वन सेवेंटी सिक्स माइनस फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री थर्टी फोर पॉइंट सिक्स सेवन आ गया थर्टी फोर फोर पॉइंट सिक्स सेवन को टू से डिवाइड कर दोगे तो क्वार्टल डेविएशन आ जाएगा सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री कोफिशन डेविएशन ऊपर माइनस कर दो नीचे प्लस कर दो थर्टी फोर पॉइंट सिक्स सेवन अपन में वन वन सेवन पॉइंट थ्री थ्री इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू नाइन आठ ठीक है ये हमारे चीज़ तीनों निकल गए जी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फाइंड द रेंज बिटवीन कंटेंस बिटवी दिडल फिफ्टी परसेंट ऑफ द आइटम एंड आइटमशेंट ऑफ क्वारल डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अब देखो रेंज दे रखा है लेकिन दे रखा देखो विच कंटेन्स दिडल फिफ्टी परसेंट यानी यहाँ पर इंटर क्वार्टल रेंज पूछ रखी है ठीक है ध्यान रखना और आपको वैसे ही पता चल जाएगा आगे पूछ रखा है कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टल डिविएशन पूछ रखा है दैट मीनस ऊपर आगे पहले इंटर क्वार्टल रेंज निकलेगा ठीक है अपने को एक्स दे रखा है एफ देखा है लेकिन जो सी सीरीज है वो इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो हमको सबसे सब, सब पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ेगा इलेवन ट्वेंटी है ना तो इलेवन जो लोअर लिमिट में जीरो पॉइंट फाइव माइनस कर दो और ट्वेंटी जो है अपर लिमिट उसमें जीरो पॉइंट फाइव प्लस कर दो देखो मैं गई सीरीज़ टेन पॉइंट फाइव से ट्वेंटी पॉइंट फाइव ट्वेंटी पॉइंट फाइव से थर्टी पॉइंट फाइव थर्टी पॉइंट फाइव से फोर्टी पॉइंट फाइव ये हमारी सीरीज बन गई फ्रीक्वेंसी लिख दो चार आठ बीस बारह छः टोटल कर दो उसका एन आ जाएगा फिफ्टी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी लिख दो चार चार में आठ प्लस किया बारह बारह में बीस प्लस किया बत्तीस बत्तीस में बारह प्लस किया चौवालीस चवालीस में छः प्लस किया पचास ठीक है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी आ गई अब देखो क्वार्टर रिडेवेशन निकालना है वो सॉरी क्वार्टाइल निकालना है एन बाई फोर से निकलता है एन बाई फोर अगर फिफ्टी बाई फोर यानी ट्वेल्व पॉइंट फिफ्थ आइटम ट्वेल्व पॉइंट फिफ्थ देखो कहाँ आता है देखो इसके अंदर तो आएगा नहीं ट्वेल्व है इसके अंदर आएगा यानी ठीक है तो इसके सामने वाली क्लास कौन सी हो गई ये वाली लोअर लिमिट कौन सी हो गई ये वाली इससे ऊपर वाली जो क्यूबिलिटी फ्रिक्वेंसी हो गई बारह फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी ट्वेंटी देखो एलवन हो गया हमारा थर्टी पॉइंट फाइव यही है ट्वेल्व पॉइंट फाइव जो ये हमारा एन बाई फोर जो निकला है वो यहाँ से निकल गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव माइनस ये जो पॉपुलरिटी फ्रिक्वेंसी ट्वेल्व है और नीचे पर ट्वेंटी आ जाएगा और जो एट मल्टीप्लाई बाई टेन इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा टेन ठीक है तो यहाँ से निकल जाएगा थर्टी पॉइंट सेवेंटी फाइव इधर से क्वार्टल थर्ड निकाल रहे हो तीन से उसको मल्टीप्लाई कर दो ट्वेल्व पॉइंट फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा तो 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 देखो कहां कर रहा है community frequency दर। दर तो है है इस के अंदर 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 इसके इसके नहीं ये आ गया, इसकी लिमिट ये, और ये हो गई इस इसकी फ्रिक्वेंसी ठीक है बत्तीस बारह और चालीस पॉइंट पांच देखो चालीस पॉइंट पांच तीस बारह और ये सै पॉइंट पाँच यहाँ से निकाल लिया था और टेन को मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया हमारा ये अब बस वो फार्मूलाज में पुट कर दो ये क्यू थ्री क्यू वन में फॉर्मूला पुट कर दो दोनों की वैल्यू यहाँ पे टू से इसको क्वार्टाइल ऑफ रेंज पूछा हुआ है जस्ट इन्होंने अपने को वो नहीं निकालना डिविशन नहीं निकालना क्वार्टल डिवेशन अगर निकालना हो तो आप निकाल देते यहाँ पे क्वार्टल डिवेशन को टू से डिवाइड कर देते क्वार्टल तो डिविशन निकल जाता और फिर कॉफिशेंट ऑफ दोनों को प्लस ऊपर माइनस नीचे दोनों प्लस करके ये आ गया हमारा कॉफिशंट ऑफ क्वार्टल डिवेशन ठीक है तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी वीडियो थी क्वार्टल डेविएशन और इंटर क्वार्टल रेंज और कोफिशेंट ऑफ डेविएशन की हमारी कंप्लीट हो गई है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा इसमें हमने पढ़ा कि जो इंटर क्वार्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है क्वार्टल डिविएशन का फार्मूला क्या होता है और जो कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टल डिवीशन का फार्मूला क्या होता है स्टेप्स पढ़े कैलकुलेट कैसे किए जा सकते, सकते हैं इसको और तीन चार हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे जो कि इंडिविजुअल सीरीज से रहे डिस्क्रीट सीरीज से रहे और कॉन्टीन्यूस सीरीज से रहे ठीक है स्टूडेंट्स तो आई होप स्टूडेंट आज की जो ये वीडियो है अपनी इंटर क्वार्टल रेंज क्वार्टल डेविएशन की वो आपको समझ में आई होगी आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो हुआ होगा और मैजल्स ऑफ डिसपर्जन का ये क्वार्टल इंटर क्वार्टल रेंज है आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से आपने पढ़ा होगा आपको समझ में आया होगा अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजम थैंक यू स्टूडेंट्स